उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। देवभूमि में नहीं चलेगा धर्म परिवर्तन, लैंड और थूक जिहाद, सीएम धामी। सीएम धामी के फैसले से ओवैसी विपक्ष सबके होश उड़े। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर उन्होंने काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है, क्योंकि यूसीसी को लेकर अब उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जल्द लागू हो जाएगा, और इसके लिए उन्होंने समय भी बता दिया है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उत्तराखंड सरकार राज्य के मूल स्वरूप को बचाने के लिए नए नए कानून लागू कर रही है। साथ ही धामी सरकार का उत्तराखंड में लैंड लव और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त रवैया दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन, अवैध कब्जा, भूमि और थूक जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसे लेकर दोहराया है कि सामान्य नागरिक संहिता जल्द लागू की जाएगी और कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। सामान्य नागरिक संहिता कानून जल्द लागू किया जाएगा। देवभूमि की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इस कानून के लिए वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। क्या कुछ और कह रही है पुष्कर सिंह धामी, एक बार जरा आप खुद सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि लगातार पुष्कर सिंह धामी जहां पर भी जनसभा कर रही हैं, वहां पे इस चीज का वो जरूर जिक्र कर रही हैं कि यूसीसी को लेकर खुद उत्तराखंड की जनता ने ही उन्हें जनादेश दिया है। यूसीसी को लेकर ही जनता ने उन्हें फिर से जो सत्ता में बैठने का मौका दिया है, तो वो उसे जल्द लागू करेंगे। ये जनादेश है यूसीसी के लिए, जिसे अब लागू करने की जरूरत आन पड़ी है। क्या कुछ कह रही है धामी जी, जरा सुनिए। ये बदल गया है, ये परिवर्तन हुआ है, ये नकल अध्यादेश आया। इसी प्रकार से हम समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आए, समान नागरिक संहिता का विधेयक हम लेकर आए हैं, और उत्तराखंड देवभूमि को यह गौरव प्राप्त हो गया है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बनने के बाद बहुत जल्द लागू होने वाला है, एक्ट के रूप में लागू होने वाला है, और वो हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम किसी के पक्षपात के लिए भी नहीं लाए हैं, सबकी समानता के लिए हम लेकर आए हैं। भाई बहनों, और इसका मैंडेट, इसका ये जनादेश हमको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था। कई बार मैं बड़े बड़े टेलीविजन के डिबेट में जाता हूं, तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपने सबसे पहले ये लागू क्यों किया। मैंने कहा, हमने सबसे पहले इसलिए लागू किया क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, हमारी माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। हमने उनके सामने 2022 के चुनाव में ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे, और उत्तराखंड की जनता ने हमको मौका दिया। देश के, प्रदेश के इतिहास में, प्रदेश बनने के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को, हर बार चुनाव होता था और चुनाव के बाद क्या होता था, शुक्ला जी भी उसी धोखे में चले गए और उधर आने वाले भी उसी धोखे में चले गए, कुछ जगह और भी चले गए। सिंघल साहब, आपको बार बार करते हुआ, ये हमारे राजेश जी कितने वोट होते रहे, 1456 वोट। सबको लग रहा था, क्योंकि हर बार होता है यहां था कि हर बार चुनाव होता था और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती थी। ये चुनाव हुआ जी, जो सरकार चल रही है अगली सरकार आ गई, फिर चुनाव हुआ, जो सरकार चल रही है फिर अगली सरकार आ गई, अगली पार्टी की सरकार आ गई। इस बार भी लोगों के मन में यही था, यही बड़े बड़े हमारे जो विद्वान थे राजनीति के क्षेत्र, उनका भी विश्लेषण यही था कि इस बार सरकार बदल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ये परिपाटी तोड़ दी, ये मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास बना दिया।
लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी, उसी सरकार को आगे भी सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं कि यह विधेयक हमने नहीं बनाया, ये विधेयक विधानसभा में मैंने उसके लिए संकल्प प्रस्तुत किया, मैंने विधानसभा में उसके लिए सदन की आज्ञा मांगी कि ये विधेयक हमारा जो है पास कर दीजिए, ये विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति ने इस विधेयक को पारित किया है, एक एक माता बहन ने पारित किया है, एक एक नौजवान ने, एक एक बड़े बुजुर्ग ने। भाइयों बहनों, इस प्रकार हमको यह भी एक गौरव प्राप्त हो गया है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यूसीसी जो है जल्द लागू किया जाएगा 2022 के चुनाव में। आम जनता ने जनादेश देकर जो है इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है, सबके बेहतरी के लिए है। सीएम ने कहा कि इन सब चीजों को रोकने के लिए समाज के जागरूक वर्ग को आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि जो है इस सब फैसले से जो है इससे काफी लोगों को बड़ा झटका लगा, खासकर ओवैसी को जो लगातार CAA के खिलाफ तो बोल रहे थे, फिर UCC के खिलाफ भी बोल रहे थे। तो ये ओवैसी के लिए भी बहुत बड़ा एक झटका है, विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य जो है वो UCC लागू करेगा और इसी के साथ एक अचीवमेंट जो है ये हासिल कर लेगा। सीएम ने कहा कि इन सब चीजों को जो है समझने के लिए समाज में जागरूक वर्ग को आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम सूबे के उधम सिंह नगर भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किच्छा में भी कार्यक्रम में जो है कार्यक्रम को संबोधित किया और ये कहा कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन कराया जाना नहीं चलेगा, ना अवैध रूप से जमीन कब्जा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा देवभूमि में भूमि जिहाद नहीं चलेगा। इस मौके पर धामी ने कहा कुछ लोग उत्तराखंड में थूक जिहाद भी कर रहे हैं, लेकिन अपने यहां ये सब नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है, पढ़ा लिखा तबका आगे आए और इन सब चीजों को रोके, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में तो भूल कर भी ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम हो कि उत्तराखंड के मसूरी के दो लोगों को थूक वाली चाय पिलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। थामी ने कहा था कि उनकी सरकार सख्ती से चीजों का निपटाना जानती है, और इस मौके पर सीएम ने कहा था कि जल्द ही राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है, इसके अलावा जल्द ही एक मजबूत भूमि कानून भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अपने एक्शन से विपक्ष और ओवैसी जैसे नेताओं को बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो वो यहां पर उन्हें चौंका दे रही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब किसी भी तरीके से यहां पर ना लव जिहाद चलेगा, ना थूक जिहाद चलेगा और ना ही जमीन जिहाद चलेगा। उत्तराखंड में इस तरीके की किसी भी चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह उत्तराखंड की सरकार इस तरीके की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, सख्ती से निपटारा जो है इनका किया जाएगा, और जितनी ज्यादा हो सकेगी इतना ज्यादा इन चीजों पर और ऐसे लोगों पर नकेल कसने की कार्रवाई जो है निरंतर जो है चलती रहेगी। तो यहां पर आप देख रहे किस तरीके से यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार प्रयासरत है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस दिन राज्य जो है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, उस दिन ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से अन्य मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर भी अपनी बात सामने रखी है और कहा है कि सरकार इसे लेकर प्रयासरत है और इसे लेकर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे, चाहे बात लव जिहाद से हो, थूक जिहाद से हो या फिर बात भूमि जिहाद से हो। इन सब चीजों को देवभूमि उत्तराखंड में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।